हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम्पल 2.10 जो कि सॉल्यूशन चैप्टर का है। हम यहाँ पे पहले की तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे और कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करके उस पर बेस्ड फार्मूला लगा के आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। हमारे पास 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ऐसा सॉल्यूट जो सॉल्यूशन पे जाने में, जो सॉल्वेंट पे जाने में आयन्स में ब्रेक नहीं हो, जो आयन्स में ब्रेक नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है ना। सॉल्यूट आपको पता होगा, सॉल्यूशन में दो लोग होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो चीज़ कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट होती है। तो हमारे पास 1 ग्राम सॉल्यूट है जिसको हमने डिसॉल्व किया है 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूट का वेट 1 ग्राम है और सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है उसका वेट है 50 ग्राम। आगे बोल रहे हैं लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन। देखो हो ये रहा है कि पहले प्योर बेंजीन रहा होगा, ठीक है, उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट आया होगा, उसके बाद उसमें 1 ग्राम इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। ये हमेशा होता है कि अगर आपके पास एक प्योर लिक्विड है पहले उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लो, उसके बाद उसमें कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालो, कोई सॉलिड चीज़ डालो जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। इसको बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट यानी KF की जो वैल्यू है बेंजीन के लिए वो 5.12 दी हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो सॉल्यूट है जिसका मास 1 ग्राम था उसका मोलर मास क्या होगा। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। पूरा क्वेश्चन जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड हैगा। तो करेंगे कैसे आइए देखते हैं। देखो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक ही फॉर्मूला है और वो है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। वट इज़ डेल्टा TF? ये होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट आया है। KF को क्या बोला जाता है? मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। KF की वैल्यू आपको दी हुई है 5.12 एंड जो छोटा m है यहाँ पे वो है मोलैलिटी, पर कहीं पे भी मोलैलिटी दी नहीं है। तो हमें मोलैलिटी का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो KF की जगह तो KF लिख लो और मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर आते हैं सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास लेते हैं लेकिन वो जो सॉल्वेंट का मास है वो kg में होता है। ऊपर n का मतलब क्या है? n का मतलब है मोल्स, किसके मोल्स? सॉल्यूट के। तो मैं सॉल्यूट को b से लिखूंगा और यहाँ पे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मैं सॉल्वेंट को a से लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ऊपर आ रहा है मोल्स, मोल्स से सॉल्यूट के, जो चीज़ कम अमाउंट में, जो चीज़ यहाँ पे 1 ग्राम है, और नीचे आएगा सॉल्वेंट का मास जो चीज़ ज़्यादा है जो कि बेंजीन है। लेकिन सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोल्स भी यहाँ पे नहीं दिए हैं सॉल्यूट के, तो मोल्स भी निकालना पड़ेगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KF इज इक्वल्स टू, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। और WA की जगह WA लिखेंगे। सुनो क्या हुआ है, देखो ये KF की जगह KF लिखा, ये NB क्या है? सॉल्यूट के मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो ये B था यानी सॉल्यूट का था, तो ऊपर भी B लिखा और नीचे भी B लिखा। और फिर ये नीचे क्या है? WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में? kg में। पर हमें kg में नहीं दिया, हमें ग्राम में दिया है। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 1000 से। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है डेल्टा TF का, ये पूरा फॉर्मूला। देखो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से फॉर्मूला क्या हुआ है। देखो डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है KF इंटू M। KF क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, वैल्यू दी है। व्हाट इज़ स्मॉल m? इट इज़ मोलैलिटी, पर मोलैलिटी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो हमें मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला पता है कि ऊपर आते हैं सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आते हैं सॉल्वेंट का मास kg में, पर सॉल्यूट के मोल्स भी नहीं दिए। तो कैसे निकालते हैं मोल्स? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि सॉल्यूट को मैं बी से लिख रहा था तो यहाँ भी बी और यहाँ भी बी लिखा। फिर अगर सॉल्वेंट का मास kg में है तो ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। तो ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास यानी कि mb निकालना है। m है मोलर मास और b क्या है? सॉल्यूट, ये हमें निकालना है। तो वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा डेल्टा TF। डेल्टा TF मतलब कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना की डिक्रीमेंट, कितना घटा है वो। तो उसकी वैल्यू हमें दी है 0.40 इक्वल्स टू KF। KF कितना दिया है हमें? इट इज़ 5.12। तो KF की जगह हम लिख लेते हैं 5.12 इंटू, ध्यान से सुनना है। फिर WB यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि था हमारे पास 1 ग्राम अपॉन, अपॉन में क्या है?
मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे एमबी की जगह एमबी लिखा, इनटू ये डब्ल्यू एक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 50, डिवाइड किससे कर रहे हैं 1000 से, तो ये जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा। सिर्फ वैल्यूज रखी हैं, समझ रहे हो, के एफ की जगह 5.12। ये डब्ल्यू बी क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि था 1 ग्राम। एम बी क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो निकालना है। डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो वो कितना था 50, पर उसको ग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपन, देखो क्या हो रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो इसके पॉइंट से इसका पॉइंट चला जाएगा, यहाँ 2 जीरो आएंगे, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। इसके बाद देख लो और क्या हो रहा है, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 से 20, ये हो गया आपका 200, और ये एम बी भी ऊपर आ गया, तो इट इज़ 200 एम बी इक्वल्स टू 512 × 100, ये हो रहा है अभी, देख लो, सही है। हमें निकालना क्या है, एम बी निकालना है, तो एम बी इक्वल्स टू हो जाएगा 512 × 100 डिवाइडेड बाई 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 का 5 1 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, एंड ये हो जाएगा आपका 2 6 12। तो जो मोलर मास आ रहा है आपका सॉल्यूट का, इट इज़ 256, और यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट होती है इसकी ग्राम पर मोल। तो ये आपका क्वेश्चन था, जो कि पूरा का पूरा डिपेंड था, पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो आप पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हल्का सा पढ़ लेना, सिर्फ फॉर्मूला देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पर अगर आपको मोलैलिटी में भी परेशानी है, तो पहले एक बार मोलैलिटी भी देख लेना, तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। थैंक यू।